हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट इन पटना मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के दौरान कौन कौन सा बुक यूज़ की हूँ, और जो भी बुक मैंने यूज़ किया वो सब यही पीएमसीएच के टीचर ने हम लोगों को सजेस्ट किया था कि ये अच्छी बुक है, तो हम लोगों ने वही बुक खरीदी। तो एक तरह से एट द लास्ट ऑफ वीडियो जो भी स्टूडेंट्स पीएमसीएच में एडमिशन ले रहे हैं उनको एक बुक लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सी बुक यहाँ आने से पहले खरीदनी पड़ेगी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। तो फर्स्ट ईयर वालों को कुछ बातें समझने की ज़रूरत होती है जो हमें पता नहीं होती है, तो हम लोग इमेच्योरली कुछ भी किताबें खरीदने लग जाते हैं। नाउ क्या होता है कि जब हम लोग नीट से एमबीबीएस में आते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, एक पोस्ट नीट इनर्शिया मेंटेन रहती है। हम लोग नीट में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि एमबीबीएस में जाके भी उतना ही पढ़ाई किया करेंगे, तो उसी हिसाब से फिर बुक्स खरीदने लग जाते हैं, तो जो कि बहुत बार गलत साबित हो जाती है। बिकॉज हम एमबीबीएस में नीट जितना नहीं पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस मोस्टली 92-95% केसेस में ऐसा ही होता है। जब मैं भी आई थी एमबीबीएस में तो मैं भी कुछ बड़ी बुक्स यानी कि स्टैंडर्ड बुक खरीद ली थी कि डीप में जा के पढ़ना पड़ेगा, तो फिर बुक तो लेनी ज़रूरी होगी ना, तो इसलिए खरीद ली। बट मुश्किल से मैंने उसके 2 से 4 चैप्टर ही पढ़े, वो भी स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आप वो बड़ी बड़ी किताबें खरीदते हो और पढ़ भी लेते हो, बट एट लास्ट जाके जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो वो बड़ी बड़ी किताबें यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक है वो ज़्यादा काम नहीं आने वाली है, क्योंकि एट लास्ट हम लोग जो भी पढ़े होते हैं वो भूल चुके होते हैं। एंड दूसरी बात की जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उससे ओरिएंटेड भी पढ़ना होता, नहीं तो आप फिर एग्ज़ाम में फेल कर जाओगे। सो दीज आर द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ, हमें जितना हो सके डीप में तो पढ़ना ही है, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है। सो कमिंग टू बुक्स, सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी के बुक्स के बारे में बताती हूँ। तो जो एनाटॉमी के लिए मैंने बुक फॉलो करी है वो बीडी चौरसिया सर जी की है। एंड जो अगर हम लोग बात करें एनाटॉमी के स्टैंडर्ड बुक की, तो वो ग्रेज एनाटॉमी है, जो कि मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूँगी कि वो बुक बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे ग्रेज एनाटॉमी नहीं पढ़ते हैं और 90-95% तो नहीं पढ़ते हैं। मैंने खुद अपने कॉलेज में देख रखा है, उस बुक को कोई फॉलो नहीं करता है। कुछ कुछ है वो लोग बस पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बुक को पढ़ना। तो अगर आपको पढ़ने का अगर मन भी करे उस बुक को, तो अगर आप अपने लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ से बुक को इश्यू करवा लो और फिर आप पढ़ सकते हो, या फिर आप ग्रेज एनाटॉमी की पीडीएफ डाउनलोड करके उससे पढ़ लो। लेकिन इस बुक को हम लोग केवल बस रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, मेन बुक की तरह नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो फिर लास्ट टाइम में कुछ याद वाद होगा नहीं एंड फाइनली एग्ज़ाम में फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए बस ग्रेज एनाटॉमी को अगर पढ़ना भी है तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लें उसे, और मेन बुक को जो फॉलो करना वो बीडी चौरसिया सर की बुक को ही फॉलो करना है। इसके लिए विश्राम सिंह की बुक फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने बीडी चौरसिया की थी और ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसके डायग्राम ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, 3D डायग्राम इसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर बीडी चौरसिया बेटर है। अब बात आती है फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी की जो सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक आती है वो है गैनोंग की, एंड दूसरी आती है गाइटन, और ये रही गाइटन, मैंने भी इसे खरीद रखी थी, बट मुश्किल से मैं इसके 2 या 4 चैप्टर ही पढ़ी होंगी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ तो लेते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, बट फिर एग्ज़ाम के टाइम पता चलता है कि इंडियन ऑथर की बुक काम आती है, तो फिर वही पढ़ना पड़ता है। एंड ये है कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हो, इतनी एटलीस्ट एग्ज़ाम में लिखने के लिए उसे रिटेन तो रखना पड़ेगा। रिटेन रखने का मतलब है कि बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब ये बुक इतनी मोटी है कि इतना आसान नहीं होगा इसे बार बार रिवाइज करके रिटेन रख लेना। तो अगर रख पाते हो तो अच्छी बात है, बट एग्ज़ाम के टाइम में जो इंडियन ऑथर की बुक है वो ज़्यादा काम आती है, एंड उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी इजी होती है। तो फिजियोलॉजी के लिए जो इंडियन ऑथर की बुक मुझे अच्छी लगी, यानी कि जो हमारे कॉलेज में सजेस्ट किया गया था, वो है ए के जैन की बुक। वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट वाइज सब कुछ बताया गया है, एंड सिक्वेंस उसी तरह से दिया गया है, जिसमें आप अच्छे से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करके लॉन्ग क्वेश्चन को भी और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हो।
तो अब बात आती है बायोकेमिस्ट्री की, तो जो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो बुक मैंने फॉलो करी है वो वासुदेवन की है। ये बहुत अच्छी बुक है, ये आप जनरल पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एग्जाम टाइम में भी ये काम आएगा। एंड ये क्या है कि क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम मोर क्लिनिकली बेस्ड हो गया तो इसमें क्लिनिकल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, तो ये अच्छी किताब है बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन। इन सब के अलावा भी और कुछ कुछ बुक्स खरीदनी है, जैसे कि एनाटॉमी में ही केवल बीडी चलोसा बुक से काम नहीं चलेगी, इम्रो की आपको अलग खरीदनी पड़ेगी एंड फिर न्यूरो एनाटॉमी की अलग खरीदनी पड़ेगी। इस तरह से और भी कुछ कुछ बुक है जो कि मतलब यहाँ कुछ कुछ बुक तो प्रैक्टिकल की भी है जो कि पीएमसीज में अगर आप आ रहे हो तो फिर आपको वो बुक लेनी ही पड़ेगी। तो अभी मैं उन सारे बुक्स का लिस्ट मतलब फ़ोटो दिखा के बुक दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी बुक लेनी पड़ेगी यहाँ आने के लिए। एंड नॉर्मली भी बाकी प्रैक्टिकल को छोड़ के बाकी दूसरे कॉलेज के भी लोग बाकी बुक्स तो फॉलो कर ही सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही बुक फॉलो करना है, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, बट है कि अगर ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दूसरी भी आपको समझ में आती है अगर कोई और बुक अच्छे से तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है कि यही बुक करनी है, जो आपको अच्छी लगे आप वो बुक पढ़ सकते हो यहाँ के। तो अभी मैं एक एक करके सारी बुक्स आपको दिखाती हूँ, तो आपको बुक्स खरीदने में फिर आसानी होगी कि कौन कौन सी बुक है एंड क्या नाम है एंड क्या उसके ऑथर का नाम है, तो आप आराम से फिर बुक खरीद सकते हो। और अभी तो जो भी नए वाले स्टूडेंट्स न्यू बैच जो आने वाले उनको तो अभी बहुत जल्दी होगी बुक्स खरीदने, क्योंकि मैं अभी उस टाइम आई थी तो बस बुक्स ही पता कर रही थी कि कौन सी बुक्स लेनी है जल्दी से जल्दी ताकि फिर से पढ़ाई शुरू की जा सके, तो इसलिए मैं वो सारी बुक्स की लिस्ट अभी आपको देती हूँ वीडियो के माध्यम से। वो जो एनाटॉमी की बुक है वो बी डी चौरसिया की है, तो ये उसकी वॉल्यूम 1 है जिसमें अपर लिम एंड थोरेक्स दे रखा है, एंड द वॉल्यूम 2 जिसमें कि लोअर लिम एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस दे रखा है, एंड द वॉल्यूम 3 जिसमें हेड एंड नेक दे रखा है, एंड वॉल्यूम 4 जिसमें कि न्यूरो एनाटॉमी दे रखा है। बट न्यूरो एनाटॉमी की जो बेस्ट बुक है जो अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है वो विश्राम सिंह की क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी है, तो ये वाली बुक लेनी है। ये है कि ये जो इसका जो 3 और 4 है ये कॉम्बिनेशन में ही मिलता है, इसलिए ये मजबूरी हो जाती है कि इसकी भी बी डी चौरसिया की भी हमें 4th वॉल्यूम लेनी पड़ती है न्यूरो एनाटॉमी की, ये अलग से नहीं मिलता। हेड एंड नेक तो लेना ही पड़ेगा, तो हेड एंड नेक लेने के चक्कर में फिर हमें न्यूरो एनाटॉमी भी लेनी पड़ी, बट मैं इस बुक को नहीं पढ़ती। एंड ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी के लिए जो बुक है वो इंद्रवीर सिंह की है, ये रही बुक इंद्रवीर सिंह की ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी, एंड ह्यूमन हिस्टोलॉजी है जो वो इंद्रवीर सिंह की बुक है, जो कि प्रैक्टिकल के दौरान इसमें जो भी है ये सब हिस्टोलॉजी वाला सारा सेक्शन इसमें दिया हुआ और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ। एंड हिस्टोलॉजी के लिए जो हैंडबुक है वो ये है जो कि अजय भगत की है, तो फिर आप ये वाली बुक मतलब ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी वो नहीं एक्सप्लेन किया हुआ जो कि बी डी चौरसिया के सारे चैप्टर वाइज में वो अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये है कि इसमें एक साथ सारा बोन दिया हुआ है और कोई बात नहीं। और जो भी जनरल इंट्रोडक्शन है बोन की वो जनरल एनाटॉमी में दे रखी है, तो ये तो फिर बी डी चौरसिया की ये जो वॉल्यूम है 0 वॉल्यूम इसको तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें जनरल एनाटॉमी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो ये रही गाइटन की बुक, आप ये भी पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी बुक है। बट जो ए के जैन की 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 एंड द वॉल्यूम 2, तो इस ये जो कि इंडियन ऑथर की बुक है तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है गाइटन के कंपेयर में, तो इससे पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। अब आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ही अच्छी बुक है। एंड देन फिर अगर बात करें ये रही बुक, ये बस क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का जो कि फ्री मिलेगी आपको एक एजन की बुक के साथ ही, जो वाइवा के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वाइवा वेस्ट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं सारे। एंड बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये रही हमारी वसुदेवन, बस इसमें एक ही बुक खरीदनी है,
बायोकेमिस्ट्री में बस एक ही बुक फॉलो करनी है। तो ये अच्छे से इसमें क्लिनिकल सब दिया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हो। एंड अगर हम लोग प्रैक्टिकल के बुक की बात करें, तो जो फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक है वो ये रही मैनुअल प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी फॉर MBBS डॉक्टर AK जैन की बुक लेनी है, जो कि फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए, इसमें क्लिनिकल एंड हेमाट यानी कि हेमाटोलॉजी दोनों ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो ये ज़्यादा बेटर बुक है प्रैक्टिकल ऑफ फिजियोलॉजी के लिए। एंड बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए ये रही मैनुअल प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री किसके लिए, KP सिन्हा और राजीव आर सिन्हा की बुक है। तो ये हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए यही वाली यूज़ करवाई जाती है बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए। एंड हिस्टोलॉजी के लिए जो प्रैक्टिकल की बुक यूज़ करवाई जाती है, ये NL मित्रा, GK प्रसाद एंड AV वर्मा की बुक है। एंड यही इसमें ये सब थोड़े बहुत हम लोग को क्या करना पड़ता है इसमें, जो है कि कुछ नहीं, ये सब कलरफुल डायग्राम बस बनाने होते हैं और कुछ नहीं, और इसको लेबलिंग करना आता है इसमें बस, और उसकी थ्योरी भी दी हुई है इसमें, बट उसकी थ्योरी भी दी हुई है बट आप थ्योरी को, जो हिस्टोलॉजी की बुक पहले मैंने दिखाई थी वो इंद्रबीर सिंह की, वो ज़्यादा बेटर है थ्योरी के लिए। एंड जो बात करें अगर हम लोग, तो प्रैक्टिकल और लॉग बुक भी लेना पड़ता है, ये इस तरह का रहता है, जो कि पटना मेडिकल कॉलेज, जो कि PMCH के आसपास ही कोई दुकान मिलेगी वहाँ से आराम से मिल जाएगा ये सब बुक, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी की आपको ये लॉग बुक भी लेनी है, एंड फिर ये प्रैक्टिकल कॉपी और क्या, जो कि चार पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, दो फिजियोलॉजी के लिए एंड दो बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो ये थी पूरी कंप्लीट हमारी बुक लिस्ट, देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। बहुत सारी हो गई है, देखिए कितनी सारी बुक हो गई है बस। अच्छा, एक चीज़ के बारे में तो मैं बताना भूल ही गई कि ये रही वो पेंसिल, HNE पेंसिल। जब भी मैं फर्स्ट टाइम गई थी इसे दुकान में लेने, तो अंकल बोले थे कि ये 50 रुपये के, तो मेरे को लगा कि ऐसे ही मेरे को बुद्धू बना रहे हैं, तो मैं फिर उस दिन ली नहीं थी, फिर पूरे मार्केट में अपने आस पास के दुकान वालों में खोजी थी तो ये पेंसिल मिली भी नहीं थी। एंड वो मतलब जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहीं आसपास ये पेंसिल आपको मिलेगी। तो ये जो है हिस्टोलॉजी में डायग्राम बनाने में काम आती है, तो ये दो कलर की लेनी है, पर्पल एंड द पिंक, तो 50-50 रुपीज़ की आएगी, तो गई टोटल 100 रुपीज़ की पेंसिल, जिसमें कि पहले मैं खरीदी थी 50 में पूरे कलर की पेंसिल मिल जाती थी, बट ये है कि बस एक ही पेंसिल मिलेगी 50 रुपीज़ की। एंड बुक की सारी लिस्ट मैं बता चुकी हूँ, तो बहुत सारा बुक हो गया है ना। मैं भी जब आई थी तो फर्स्ट टाइम तो लगा था कि तीन ही सब्जेक्ट है, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड द फिजियोलॉजी, आराम से पढ़ लूँगी, तो फिर पता चला कि नहीं, वो एनाटॉमी में भी फिर ब्रांच ही हो गया, प्रैक्टिकल के लिए अलग पढ़ो, फिर हिस्टोलॉजी का अलग पढ़ो, एम्ब्रियो का अलग पढ़ो, न्यूरो का अलग पढ़ो, फिर अपर लिम लोअर लिम इस तरह से, एंड उसी तरह से फिर फिजियो में भी फिर प्रैक्टिकल का अलग पढ़ो फिर उसके लिए, एंड फिर बायोकेमिस्ट्री में भी फिर प्रैक्टिकल है, फिर थ्योरी बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो बहुत सारी बुक्स है, तो बहुत अंदर तो बहुत पढ़ना ही पड़ता है। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत नीट से बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, ये अलग बात है कि हम लोग नीट दे के आए हुए थे तो स्टार्टिंग में पढ़ाई कम करते हैं, बट पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो बस यही बताना था, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।